नमस्कार दोस्तों जी, हाँ मैं विप्लव कुमार, एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, एग्जाम कोई भी हो, चाहे आप टीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, पीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, नवोदय का दे रहे हो या यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हो, हिंदी साहित्य अगर आप साहित्य विषय से एग्जाम दे रहे हैं तो साहित्य से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। और अगर आपने पूरा वीडियो आज का देख लिया तो एग्जाम कोई भी हो, एक प्रश्न आपसे जरूर उठेगा। जी हाँ, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि निराला यानी 97, निराला जी का जन्म 1897 में हुआ है, वेस्ट बंगाल में हुआ था इनका जन्म। निराला है तो निराला, कोडिंग याद रखना 1897, 1897 में निराला जी का जन्म हुआ। निराला जी को मुक्त छंद के कवि कहे जाते हैं और निराला ने कवित्व को जातीय छंद के रूप में भी देखा है। और निराला की अगर रचना की बात करूं तो उनकी जितनी भी रचनाएं हैं, कविताएं हैं, खासकर जैसा कि कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को आप बोर्ड पर देख रहे हैं, इन रचनाओं को डेट सहित पूछा जाता है। कभी आपको जूही की कली पूछ लेंगे, कभी अनामिका पूछ लेंगे, कभी गीतिका पूछ लेंगे, कभी कुकुरमुत्ता पूछ लेंगे। तो एग्जाम कोई भी हो, निराला की कविता से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। दोस्तों इसे कैसे याद रखें, डेट सहित कोडिंग। पहली बार हमने नया बैच लॉन्च किया है जिसमें डेट यानी कोडिंग तो हम करवाते ही हैं, जैसा कि आप जानते हैं पूरे हिंदी साहित्य को हम कोडिंग के द्वारा करवाते हैं, चाहे वो कितना भी रचनाएं हो, चाहे वो 20 रचना हो या 30 रचना हो, 5 मिनट के अंदर वो सारी रचनाएं आपके टिप्स पर होते हैं। पहली बार रचना के साथ साथ हमने डेट पर भी काम करना शुरू किया, डेट का भी पहली बार हमने कोडिंग बनाना शुरू किया। तो आप अगर ऑनलाइन क्लास से जुड़ते हैं तो रचना के साथ साथ डेट भी पूरे हिंदी साहित्य का आपके टिप्स पढ़ाऊंगे। जैसा कि मैं एक उदाहरण के तौर पर निराला की कविताओं को कोडिंग विथ डेट कराता हूं। बस आपको 2 मिनट समय देना है, फिर मेरा दावा है कि आप जीवन में निराला की रचना भूलना भी चाहोगे फिर भी नहीं भूल। देखो निराला, इनको कोडिंग करते हैं ये निराला व्यक्ति है। तो निराला जी कहते हैं 4 सहेलियां हैं, निराला की 4 सहेलियां हैं। पहला है जूही जो 16 साल की है, दूसरी है अनामिका जो 23 साल की है। बोर्ड पर देखते जाना कि निराला की 4 सहेलियां हैं, पहला है जूही जो 16 की है, दूसरा है अनामिका जो 23 साल की है, तीसरी है परिमल जो 30 साल की है और चौथी है गीतिका जो 36 साल की है। ये सिर्फ कोडिंग के लिए है, किसी की भावनाओं को ठेस करने के लिए नहीं है। याद रखिएगा कि जो निराला जी है, कोडिंग कीजिएगा, उनकी 4 सहेलियां हैं, जूही, अनामिका, परिमल और गीतिका। उनकी 4 सहेलियां हैं जूही, अनामिका, परिमल और गीतिका। कौन 4 सहेली है? जूही, अनामिका, परिमल और गीतिका। कितने साल की है? पहली जूही 16 की है, अनामिका 23 की है, परिमल 30 की है और गीतिका 36 की है। ये चारों सहेली बोर्ड पर आप देख रहे हैं, चारों सहेली तुलसीदास जो 38 साल के हैं उनकी तपस्या भंग करने जाती है।
जूही, अनामिका, परिमल और गीतिका। चार सहेली है जो 38 साल की तुलसीदास की तपस्या को भंकर में जाती है। जब तुलसीदास की तपस्या को वो भंग नहीं कर पाती है तो 42 में कहती है कुकुर मुत्ता कहीं के। 42 में वो कुकुर मुत्ता कहीं के कह के लौट आती है। 42 में कुकुर मुत्ता कह के वो लौट आती है। अब उनकी दूसरी सहेली आती है अनिमा। बोर्ड पर देख रहे हैं आप, दूसरी सहेली आती है अनिमा जो 43 की है। अनिमा जो 43 साल की है। अनिमा कितने साल की है? 43 साल की है। वो 46 रुपये में, वो 46 रुपये में बेला लेती है और नए पत्ते लेती है। अनिमा जो 43 की है, 46 रुपये में वो बेला लेती है और नए पत्ते लेती है। 50 में वो अर्चना करती है, 53 में वो आराधना करती है। 50 में वो अर्चना करती है, 53 में वो आराधना करती है और 54 में वो शांत, 54 में वो गीत गाती है, गीत गुंज करती है 54 में, और 69 में वह शांत की कली बन जाती है। 69 में वो शांत की कली बन जाती है। फिर से देखना दोस्तों, आज के बाद निराला की डेट सहित रचना जीवन में नहीं बोलोगे। कोडिंग देखना कि निराला की चार सहेलियां हैं, जूही है, अनामिका है, परिमल है, गीतिका है। चारों सहेली तुलसीदास की तपस्या को भंग करने जाती है, लेकिन जब तुलसीदास की तपस्या को भंग नहीं कर पाती है तो कुकुर मुत्ता बोल के वापस लौट आती है। फिर उनकी दूसरी सहेली बेला आती है, और दूसरी सहेली अनिमा आती है जो 43 की है। वो बेला लेती है 46 रुपये की, नए पत्ते लेती है 46 रुपये की, और 50 में अर्चना करती है, 53 में आराधना करती है, 54 में गीत गाती है और 69 में शांत की कली बन जाती है। एक बार फिर से डेट सहित समेत समझना कि निराला की चार सहेलियां हैं। पहला है जूही 16 की, दूसरी है अनामिका 23 की, तीसरी है परिमल 30 की, और चौथी सहेली है गीतिका 36 की। और वह तुलसीदास के पास जाते हैं जो 38 साल के हैं, तुलसी की तपस्या को भंग करने जाते हैं। जब भंग नहीं कर पाती है तो 42 में कहती है कुकुर मुत्ता और वापस लौट जाती है। फिर उनकी दूसरी सहेली अनिमा आती है जो 43 की है। अनिमा आती है दोस्तों जो 43 की है। वो 46 रुपये में, 46 रुपये में बेला खरीदती है, नए पत्ते खरीदती, 46 मतलब 1946, बेला खरीदती है, नए पत्ते खरीदती है, और 50 में वो, देख रहे बोर्ड पर आप देख रहे हैं, 50 में वो अर्चना करती है, 53 में वो आराधना करती है, 52 में वो गीत गाती है और 69 में शांत की कली बन जाती है। तो दोस्तों इस तरह से पूरे हिंदी साहित्य को डेट सहित टर्न ऑफ द टिप्स रखा जा सकता है। बस आपको 2 से 3 महीने देने हैं। हमारा न्यू बैच भी PGT, TGT, नवोदय, DSSB के लिए शुरू हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि पूरा हिंदी साहित्य इसी तरह आपको भी याद हो, और 100 प्रश्न में अगर चाहते हैं कि 95-96 आए, तो एक बार क्लास लेकर देखिए। हम तो 8 से 10 क्लास फ्री भी देते हैं, पसंद वो भी बिना रजिस्ट्रेशन के, पसंद आए तो पढ़ो, वरना आप क्लास कभी भी छोड़ सकते हो, कोई बंदिश नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर से हम कोई नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। पूरे वीडियो जरूर से देखना,
अगर वीडियो पसंद आ जाए तभी लाइक करना, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।